नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूटेक गैजेट पर। दोस्तों हमेशा की तरह आपके लिए लेके आ गया हूँ एक बार फिर से ढेर सारे अमेजिंग गैजेट्स की जानकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे डेली लाइफस्टाइल गैजेट्स के बारे में जो कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो जानने के लिए दोस्तों हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने पहले गैजेट की तरफ, मैग्नेट बॉल्स। दोस्तों बचपन में मैग्नेट से खेलना तो हम सभी लोगों को पसंद था। खाली समय में हम लोग मैग्नेट से लेकर क्या कुछ नहीं किया करते थे। लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ काफी कुछ बदल गया। लेकिन दोस्तों आज भी अगर हमें कहीं मैग्नेट मिल जाता है तो हम उसे खेलना नहीं भूलते। तो दोस्तों आज मैं आपकी इस हैबिट को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाला गैजेट दिखाता हूं, जिसकी मदद से आप मैग्नेट के साथ खेल तो सकते ही हैं, साथ ही ये आपको काफी सारी क्रिएटिविटी के ऑप्शंस भी देता है। बेहद छोटी छोटी सी ये बॉल्स मैग्नेट की बनी होती हैं, जिन्हें कि आप अपने पसंद के शेप में सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसकी मदद से काफी सारी इंटरेस्टिंग डिजाइन्स भी बना पाएंगे। दोस्तों ये एक बेहतर टाइम पास हो सकता है अगर आप खाली समय में हो, साथ ही ये आपके दिमाग में क्रिएटिविटी भी लाता है। दोस्तों इस तरीके का गैजेट बच्चों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इससे वो काफी सारी डिजाइन्स तो बनाते ही हैं, बल्कि उनकी थिंकिंग एबिलिटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव करता है। DJI रोबो मास्टर S1। दोस्तों आपने काफी सारे रोबोट्स के बारे में सुना होगा जो कि इंसान के काम को आसान बनाते हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसे रोबोट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एक ऐसा एजुकेशनल रोबोट है जो कि आपकी प्रोग्रामिंग और साइंस के फैक्टर्स को सीखने में आपकी मदद कर सकता है। इस रोबोट को DJI द्वारा तैयार किया गया है खास तौर पे एजुकेशनल पर्पस, जिससे कि आप साइंस को आसानी से समझ पाएं। साथ ही ये आपके अंदर प्रोग्रामिंग स्किल्स को भी डेवलप करने में मदद करेगा। आप इसकी स्किल्स को स्क्रैच 3.0 और पाइथन जैसी स्क्रिप्ट से प्रोग्राम कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें AI टेक्नोलॉजी भी इनबिल्ट होती है, जिससे कि एक क्लैपिंग रिकॉग्नाइजेशन और जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। इस तरीके के एडवांस रोबोट का इस्तेमाल ना सिर्फ एजुकेशनल पर्पस बल्कि रेसिंग और गेमिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके मोबाइल फोन से कंट्रोल हो सकता है। अगर आप चाहें तो इससे काफी सारे रियल टाइम गेम्स खेल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का रोबोट आपके एजुकेशनल पर्पस तो इम्पोर्टेंट होता ही है, बल्कि ये आपके एंटरटेनमेंट में भी आपकी मदद करेगा। एरारा। दोस्तों अगर आपको बाइसिकल राइडिंग का शौक हो तो इस तरीके का गैजेट का आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों बाइसिकल में लाइटिंग सिस्टम को काफी लोग इंस्टॉल कराते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा बैटरी फ्री व्हील माउंटेड बाइक लाइटिंग सिस्टम, जिसकी मदद से आपको इन बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिन नॉर्मल LED लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं वो काफी ज्यादा डल होती हैं और वो दूर से विजिबल भी नहीं होती, लेकिन ये लाइट्स आपको बेहद पसंद आएंगी क्योंकि इसकी ल्यूमिन इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये दूर से भी दिखाई पड़ती हैं। इनके व्हील्स पर दो मैग्नेटिक माउंट्स लगे होते हैं और जैसे ही व्हील स्पिनिंग मूवमेंट शुरू करते हैं इसमें करंट जनरेट होता है जो कि कैपेसिटर में जाके स्टोर हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जनरेट इलेक्ट्रिक के लिए आपको किसी भी तरीके की बैटरी स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों इस तरीके की लाइट्स आपके व्हील्स मूवमेंट को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं और रात के समय ये आपकी विजिबिलिटी को भी मेंटेन रखती हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी बाइसिकल को थोड़ा सा मॉडिफाई कराने वाले हो तो इस तरीके की लाइट्स लगवाना मत भूलिएगा। इग्नाइट इम्पल्स आर्क लाइटर। दोस्तों आपने काफी सारे लाइटर्स देखे होंगे, लेकिन उन सभी लाइटर्स में एक इक्वालिटी ये होती है कि उसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है और उनका यूज करना भी थोड़ा सा रिस्की रहता है। और दोस्तों चाइल्ड सेफ्टी के लिए भी इस तरीके के लाइटर काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा लाइटर दिखाने वाला हूं जो एकदम फ्लेमलेस होता है। इसे खास तौर पर सेफ्टी फेसेस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो कि पूरी तरीके से फ्लेमलेस एंड सेफ होती है। बेहद छोटा सा दिखने वाला ये लाइटर लिथियम आयन बैटरी पर काम करता है, जिसे कि आप किसी भी USB चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। इसे सिंगल चार्ज पर 60 टाइम्स तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें किसी भी तरीके के लिक्विड फ्यूल की जरूरत नहीं होती। ये पूरी तरीके से एक इलेक्ट्रिक गैजेट है, जिसे कि आप लगभग 1-2 घंटे में पूरा चार्ज कर सकेंगे। तो दोस्तों इस तरीके की सेफ डिवाइस आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। विस्क वाइपर। दोस्तों हमारा ये गैजेट एक किचन बेस्ड गैजेट है और दोस्तों अगर आपको भी किचन में काफी सारा काम करना पड़ता है तो आपको पता होगा कि विस्क क्लीनिंग कितनी ज्यादा टफ होती है। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस खास गैजेट का। एक प्लास्टिक का दिखने वाला ये छोटा सा गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल होता है। इसे आप अपनी विस्क पर लगा लेते हैं, जिसके बाद आप नॉर्मली कोई भी काम उससे कर सकेंगे। साथ ही साथ ये आपकी विस्क को स्टेबिलिटी भी देता है, जिससे कि आप इसे किसी भी बाउल में रख सकते हैं और काम होने के बाद आप इसे
इसे आसानी से कुछ इस तरीके से रिमूव करके इसे साफ कर पाएंगे। ये काफी सारे साइजेस में अवेलेबल होता है, आप अगर चाहें तो इसे अपने फूड चॉपर में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों बेहद छोटा सा दिखने वाला ये गैजेट आपके किचन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फोबो टायर। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर आपको कहीं कभी कभी किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना हो और वहां पर आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो ऐसे में आपको काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आजकल की इस एडवांस एरा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का, यानी कि TPMS का। तो दोस्तों आज भी मैं आपको एक ऐसा TPMS बेस्ड गैजेट दिखाने वाला हूं जो कि आपके टायर प्रेशर को मॉनिटर करता है और सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फोन पर सेंड करता है। इस छोटे से गैजेट को आपको अपने टायर्स पर फिक्स ना होता है, जिसके बाद ये आपको प्रेशर से रिलेटेड डिटेल्स आपके मोबाइल फोन पर सेंड करेगा। इसे आप एंड्रॉइड ओएस और iOS दोनों ही डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ लो पावर कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ आप इसके ऑफिशियल ऐप पर काफी सारे व्हीकल्स को अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आपको टायर मेंटेनेंस रिलेटेड डिटेल्स आपके मोबाइल फोन पर सेंड कर सके। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके व्हीकल्स के लिए। मून बाय वन रिंग। दोस्तों आपने होम सिक्योरिटी पर्पस काफी सारे स्मार्ट कैमरास देखे होंगे, लेकिन दोस्तों ये कैमरा काफी ज्यादा अलग होने वाला है किसी भी अदर कैमरा से। दरअसल एक मैग्नेटिक बॉल से बना हुआ ये कैमरा हमेशा अपने पैड पर हवा में रहता है, यानी कि इस पर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और ये उसी पोजिशन पर 360 डिग्री रोटेट भी कर सकता है। यही नहीं, इसमें काफी सारे ऐसे एडवांस फीचर्स भी होते हैं जो कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, जैसे कि ये ऑटोमेटिकली रोटेट होता है स्पीकर्स की साउंड पर और साथ ही साथ इसमें डुवे कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी होते हैं जिससे कि आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके का एडवांस कैमरा होम सिक्योरिटी के लिए भी एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे एडवांस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होते हैं, जैसे कि इसका स्मार्ट वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर काफी सारी साउंड्स को डिटेक्ट कर लेता है, जैसे कि बेबी को रोना या ग्लास का टूटना। इस तरीके की सभी साउंड्स को वो डिटेक्ट करता है और साथ ही साथ आपके ऐप पर अलर्ट देता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल आप सिर्फ होम सिक्योरिटी के लिए ही नहीं बल्कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी कर सकते हैं। इसे आप अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन से कनेक्ट करके इसके कैमरा के द्वारा आप किसी से भी वीडियो चैट्स भी कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके का कैमरा काफी ज्यादा एडवांस होता है आपकी होम सिक्योरिटी पर्पस। ज़िलॉन डॉली इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोस्तों आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर का चलन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी राइड काफी ज्यादा मजेदार होती है। तो दोस्तों अगर आपको भी पसंद हो एक ऐसे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर की राइड, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस अमेजिंग स्कूटर का। बेहद छोटा सा ये गैजेट काफी ज्यादा कम्फर्टेबल तो होता ही है, साथ ही साथ आप इसे फोल्ड करके कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें इनबिल्ट होती है एक लिथियम आयन बैटरी, जिसकी मदद से आप 15 माइल्स तक इसे सिंगल चार्ज करके ले जा सकते हैं। साथ ही इसकी 250 वाट की पावरफुल मोटर 15 माइल पर आर की स्पीड अवेलेबल कराती है। दोस्तों इसको एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बनाया गया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लाइट वेट होता है। तो दोस्तों शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस तरीके के गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेजर क्यूब। दोस्तों अगर आपको म्यूजिक का शौक हो तो इस तरीके का गैजेट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अक्सर पार्टीज में म्यूजिक के हिसाब से थीम को डिजाइन किया जाता है, जिस हिसाब से म्यूजिक होता है लाइटिंग भी उसी हिसाब से की जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा अपने घर पर करना चाहते हो तो ये काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन दोस्तों इस तरीके का गैजेट इसमें आपकी मदद करेगा। इस क्यूब को आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी म्यूजिक के हिसाब से इसकी थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों ये मैक ओएस और विंडोज दोनों के ही साथ काम करता है। इसकी मदद से आप आसानी से किसी भी सरफेस पर लेजर प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। साथ ही इसका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर आपको कस्टमाइजेशन के काफी सारे ऑप्शंस देता है, जिससे कि आप इन लाइट्स को किसी भी थीम के हिसाब से कस्टमाइज कर सकें। तो दोस्तों डेकोरेशन पर्पस इस तरीके की लेजर लाइट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी पार्टी के लिए कुछ एक इंटरेस्टिंग डेकोरेटिव गैजेट ढूंढ रहे हो तो इस तरीके का गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। बैक ट्रैक गो। दोस्तों आपने ब्रेथ एनालाइजर का नाम तो सुना होगा, नॉर्मली इसका इस्तेमाल अल्कोहल टेस्ट करने के लिए किया जाता है, लेकिन दोस्तों इस तरीके के गैजेट काफी ज्यादा भारी भरकम होते हैं और उन्हें इस्तेमाल करना भी काफी ज्यादा टफ होता है और इनके रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा ब्रेथ एनालाइजर दिखाने जा रहा हूं, जिसकी मदद से अल्कोहल टेस्ट करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। कीचेन की तरह दिखने वाला ये गैजेट साइज में काफी ज्यादा छोटा होता है और इसका इस्तेमाल करना भी आसान होता है। इसकी एडवांस्ड माइक्रोचेक सेंसर टेक्नोलॉजी आपको एक्यूरेट रिजल्ट देती है, साथ ही इसमें एक छोटी सी स्क्रीन भी लगी होती है जिसमें आप इंस्टेंटली उसका रिजल्ट देख पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके के एडवांस गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है।
तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स अवेलेबल हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।